मध्य प्रदेश में 89,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया मुश्किल में दिख रही है। दरअसल शिक्षा विभाग को 10 अगस्त तक ये प्रोसेस पूरी करनी है, लेकिन सर्वर डाउन होने के चलते फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वेबसाइट डाउन होने की वजह से कई कैंडिडेट्स आवेदन तक नहीं भर पा रहे हैं। खबर के मुताबिक पिछले 2 दिनों से GFMS पोर्टल काम नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि 24 जुलाई को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर साफ किया था कि सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन 1 अगस्त से 7 अगस्त तक किए जाएंगे, लेकिन आज GFMS पोर्टल पर एक अलग ही मैसेज दिख रहा है। पोर्टल मेंटेनेंस के चलते 2 अगस्त से 5 अगस्त तक ये वेबसाइट बंद रहेगी। असुविधा के लिए हमें खेद है। उधर शिक्षा विभाग का दावा है कि पोर्टल 2 अगस्त से बंद है, जबकि सच्चाई ये है कि पोर्टल 1 अगस्त से ही काम नहीं कर रहा है। वहीं बात करें स्कूल शिक्षा विभाग की, तो विभाग 10 अगस्त तक अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। स्कूल खुल चुके हैं और कक्षाओं में पढ़ाई भी शुरू हो चुकी है। अब ऐसे में सर्वर कब काम करेगा और आवेदन कब तक होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स कर जरूर बताएं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज डिजिटल के साथ। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।